तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज तुम लोगों के लिए, दैट इज बेस्ट प्लेयर इन एवरी बजट एट एवरी पोजीशन। सो आज है इस वीडियो का गाइस सबसे पहला एपिसोड, इस सीरीज का सबसे पहला एपिसोड, दैट इज बेस्ट गोलकीपर एट एवरी बजट। सो सी, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे लो बजट से, जो कि होगा 30 to 50 million, एंड खत्म करेंगे हम अपना 100 to 200 million पे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहला बजट है वो है हमारा 30 to 50 million में। तो अगर हम बात करें 30 to 50 million में, तो जो हमारा नंबर 5 पे आता है गाइस, वो है हमारा यू टोटी अलीसन। तो अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो गाइस तुम्हें मैक्स रैंक देखने को मिल जाएगा 50 million के अंदर अंदर, तुम्हें 40 million में ही मिल जाएगा ये कार्ड। तो डेफिनेटली इसका मैक्स रैंक तुम आराम से ले सकते हो। बात करें इसकी स्टैट्स की गाइस, डाइविंग तुम देख सकते हो 96 डाइविंग है, 100 पोजीशनिंग है, 95 हैंडलिंग, 99 रिफ्लेक्सेस। भाई बहुत ही अच्छा कार्ड है विद 6'4" हाइट। ट्रेड में अगर जाएं तो गाइस लॉन्ग थ्रोअर का ट्रेड भी है। सो डेफिनेटली गाइस ये बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए जीके होगा अंडर 50 million में। बात करें अगर हमारे नेक्स्ट हमारा जो गोलकीपर रहेगा वो रहेगा हमारा टॉट्स यूनाई साइमन। बात करें इसकी प्राइस की, तो आराम से तुम्हें गाइस 50 मिलियन में इसका भी मैक्स रैंक देखने को मिल जाएगा। स्टैट की बात करें तो यूनाई साइमन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे स्टैट्स हैं अगर बात करें अलीसन से, तो अलीसन से बहुत अच्छे स्टैट हैं यूनाई साइमन के। हाइट की बात करें तो 6'3" है, 1 inch कम है गाइज अलीसन से, एंड 6'3" बहुत कम हाइट होती है गोलकीपर के लिए। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत बढ़िया कार्ड है। मैंने इसको पर्सनली खिला रखा है, इसके ये मतलब इतने फाइनेस्ट शॉट्स, इतने क्रेजी सेव करता है इतनी छोटी हाइट के बावजूद भी। सो डेफिनेटली गाइज एक बार ट्राई करके देखना, तो बहुत अच्छा लगेगा। ड्रॉबैक इसका बस यही है कि इसकी हाइट कम है, बट ये फील नहीं होने देता अपनी हाइट। और एक और इसका ड्रॉबैक है, इसके बाद लॉन्ग थ्रोअर का ट्रेट नहीं है, तो वो भी एक तरीके से ड्रॉबैक है कि तुम लंबे पासेस नहीं दे सकते हो इससे। बट वो भी तुम मैनेज कर सकते हो, उसको तुम बैलेंस कर सकते हो अगर तुम लॉन्ग ना देके शॉट वो करो। बट हाँ, कभी कभार आई नो कि कभी कभार हमें लॉन्ग पासेस देनी पड़ती है, तो उसके लिए इसका एक ड्रॉबैक है। सो यही दोनों ड्रॉबैक हैं बेसिकली, दो भी नहीं, मैं तो एक ही बोलूँगा, लॉन्ग थ्रोअर का इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि इसकी हाइट तो गाइस 6'3" के बावजूद भी बहुत अच्छी सेव्स देता है। सो डेफिनेटली मिले तो गाइस ये 4th number पर आता है। बात करें गाइस हमारे 3rd number की, तो 3rd number पर रहेगा हमारा ओजी प्लेयर, कहाँ गया हमारा चेक। बात करें इसकी प्राइस की गाइस, 50 मिलियन में तुम्हें आराम से इसका भी मैक्स रैंक देखने को मिल जाएगा। एंड चेक तो तुम्हें पता है गाइस, यू टोटी वाला आइकन कार्ड है डेफिनेटली। अगर स्टैट्स की बात करें, 98 डाइविंग, 100 पोजीशनिंग, 98 हैंडलिंग, 99 रिफ्लेक्सेस विद 6'5" हाइट। तो गाइज हाइट इसकी अभी तक इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, जो भी मैंने गोलकीपर्स बताए अलीसन, यूनाई साइमन, इन दोनों से सबसे ज़्यादा है इसकी हाइट। एंड इसके स्टैट्स भी बहुत अमेजिंग है। बात करें ट्रेड्स की, तो इसके बाद लॉन्ग थ्रोअर का ट्रेड भी है गाइस, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें लॉन्ग पासेस देनी है जैसे देना है, तुम इसको आराम से इससे पासेस दे सकते हो। टीम प्लेयर का ट्रेड भी है, जो कि नॉर्मल H2HN उसमें मैटर नहीं करता, VSM में तो वो सिर्फ मैनेजर मोड के लिए है, सो ये इतना मैटर नहीं करता, हम बेसिकली H2H के लिए बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग थ्रोअर इसके पास बेस्ट है, और डेफिनेटली गाइस ये 3rd spot डिजर्व करता है। बात करें हमारे 2nd spot की, तो गाइस 2nd spot थोड़ा सा तुम्हारे लिए थोड़ा ओवर प्राइज्ड हो जाएगा। मैंने 50 मिलियन तक की बात की, ये प्लेयर तुम्हें अराउंड 60 मिलियन में मिलेगा। बट डेफिनेटली गाइस, थोड़ा सा अगर तुम बजट बढ़ा सकते हो, तो कोबल बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। बात करें स्टैट्स की, 100 डाइविंग, 99 पोजीशनिंग, 98 हैंडलिंग, 103 रिफ्लेक्सेस, गाइस बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं, बहुत अच्छे स्टैट्स हैं विद 6'5" हाइट। बात करें ट्रेड की, तो उसके बाद लॉन्ग थ्रोअर का ट्रेड भी है, सो डेफिनेटली गाइस ये 2nd number डिजर्व करता है। फर्स्ट पे बात करें तो गाइस हमारा ओजी यूनाई साइमन, मैं इसको सीरियसली अभी जो करंट गोलकीपर यूज़ कर रहा हूँ, उससे पहले मैं यही गोलकीपर यूज़ करता था। बात करें अगर इसके प्राइस की, तुम 50 मिलियन में आराम से इसका रेड रैंक ले पाओगे। स्टैट्स की बात करें, 101 डाइविंग, 101 पोजीशनिंग, 97 हैंडलिंग, 102 रिफ्लेक्सेस, तो गाइस ये बहुत बड़ा कार्ड है, 16 हाइट तो मैं पता ही, मैंने बता दिया था। सो डेफिनेटली गाइस ये 30 to 50 million में 1st spot डेफिनेटली डिजर्व करता है, बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। तो ये था हमारे टॉप 5 कार्ड्स इन 30 to 50 million। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बजट में। सो गाइस हमारा नेक्स्ट बजट है 50 to 100 million, एंड 50 to 100 million में जो सबसे पहला प्लेयर आता है गाइस, एज यूजुअल हमारा VDS। अगर तुम इसके प्राइस की बात करो, तो मैं 100 million में आराम से इसका रेड रैंक कार्ड मिल जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि गाइस VDS तो बहुत अच्छा, हाइट इतनी अच्छी है, स्टैट्स इतनी अच्छी है, बट उसके बाद भी तुमने इसको 5th में क्यों रखा है? क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट गाइस, ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। जैसे कि तुम्हें पता भी, हॉलो लेजेंड आ चुका है, तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, एंड प्लस इसको नर्फ भी बहुत ज़्यादा दे रखे हैं। तो डेफिनेटली गाइस, बट नर्व देने के बावजूद भी गाइस इतना अच्छा है कि टॉप 5 डिजर्व करता है।
इस प्राइस बजट में। सो डेफिनेटली अगर हम बात करें इसकी हाइट की, 6-6 हाइट है जो कि बहुत ही अच्छी है एंड अभी तक का सबसे हाईएस्ट गोलकीपर है ये। लाइक अभी मैंने जितने भी बताया उनमें से सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉलेस्ट है। तो गाइस बात करें स्टैट्स की, 99 डाइविंग, 101 पोजीशनिंग, 98 हैंडलिंग, 102 रिफ्लेक्सेस, तो गाइस बहुत बड़ा कार्ड है। बात करें ट्रेड की तो लॉन्ग थ्रोअर का भी ट्रेड है इस बंदे पे। सो डेफिनेटली गाइस नर्फ होने के बावजूद भी अब बहुत अच्छा कार्ड है, तो फिफ्थ नंबर पे डेफिनेटली डिजर्व करता है। बात करें गाइस हमारे फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे गाइस डेफिनेटली हमारा रहेगा न्योर। अगर हम न्योर के सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं, हम बात करें इसके बजट की गाइस 100 मिलियन में आराम से तुम्हें इसका रेड रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। लाइक 80 मिलियन में ही कार्ड देखने को मतलब मिल जाएगा, तुम्हें कार्ड देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी हाइट की तो 6-4 हाइट है गाइस, सेम एज अलीसन। एंड बात करें स्टैट्स की तो 99 डाइविंग, 103 पोजिशनिंग, 100 हैंडलिंग एंड 99 रिफ्लेक्सेस प्लस 105 किकिंग विद लॉन्ग थ्रो ट्रेड। तो डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छा कार्ड है ये भी, मैनुअल न्योर मैंने पर्सनली ट्राई भी कर रखा है गाइस, तो डेफिनेटली ये फोर्थ नंबर डिजर्व करता है। बात करें गाइस हमारे थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे आता है गाइस हमारा मामर्शविली, जिसको हम कहते हैं मामा अर्थ। सो बात करें सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, 100 मिलियन में गाइस तुम्हें आराम से इसका रेड रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी हाइट की तो 6-6 इसकी हाइट है गाइस। टू बी रियली ऑनेस्ट वीडियस से लाइक ये वीडियस जैसा ही है बट वीडियस से बहुत अच्छा है क्योंकि इसी ये यूरोस का कार्ड है। सो डेफिनेटली गाइस इसको लाइक उससे ये अभी नया नया कार्ड है लाइक। हालांकि यूरोस वाला इवेंट हमारा जस्ट अभी गया ही है हॉल ऑफ लेजेंड से पहले, बट हाँ जो वीडियस था वो तो यूटोटी मतलब वो टीओटी वाले का था, वो तो कब का इवेंट जा चुका है, तो उससे तो ये गाइस अच्छा ही है। 6-6 इसकी हाइट है, 101 डाइविंग, 101 पोजीशनिंग, 100 हैंडलिंग, 102 रिफ्लेक्सेस, तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया कार्ड है विद दैट लॉन्ग थ्रो ट्रेड। सो डेफिनेटली गाइस हमारा थर्ड नंबर पे स्पॉट डेफिनेटली मतलब थर्ड नंबर पे प्लेयर डेफिनेटली स्पॉट डिजर्व करता है। बात करें गाइस हमारे सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पे हमारा रहेगा शिजेंजी, हमारा यू टॉट्स शिजेंजी। तो गाइस यू टॉट्स शिजेंजी भी बहुत अच्छा कार्ड है। बात करें इसकी प्राइस की, 100 मिलियन में तुम्हें आराम से इसका रेड कार्ड देखने को मिल जाएगा लाइक 98 ऐसी 100 मिलियन में तुम्हें आराम से गाइस ये कार्ड देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी हाइट की, 6-5 इसकी हाइट है। बात करें स्टैट्स की, 102 डाइविंग, 102 पोजीशनिंग, 99 हैंडलिंग, 103 रिफ्लेक्सेस विद दैट पावर और नॉट पावर हेड सॉरी नॉट पावर हेड लॉन्ग थ्रो ट्रेड। तो डेफिनेटली गाइस ये वाला कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है और मैंने इसको पर्सनली अभी फेस भी कर रखे हैं, तुम लोगों को भी पता होगा इस कार्ड का डेफिनेटली सेकंड स्पॉट डिजर्व करता है अगर तुम्हें 50 से 100 मिलियन के बीच में कार्ड लेना है। सो बात करते हैं गाइस हमारे नाउ फर्स्ट प्लेयर की, लाइक फर्स्ट पोजीशन पे लाइक नॉट फर्स्ट पोजीशन बट जो हमारा सबसे पहले पर डिजर्व करता है गाइस वो हमारा ओजी डोरेमोन, ओ आई मीन सॉरी डोनोरोमा। बात करें गाइस इसकी प्राइस की, 100 मिलियन में आराम से तुम्हें रेड का रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा कार्ड है गाइस, 6-5 इसकी हाइट है, डाइविंग 105 है, 98 पोजीशनिंग है, 96 हैंडलिंग है, 104 रिफ्लेक्सेस है। लाइक इसकी डाइविंग एंड रिफ्लेक्सेस तो गाइस एकदम फाड़ू है, लाइक फाइनल शॉट्स एंड ऑल तुम इजीली इससे सेव कर सकते हो। बहुत अच्छा कार्ड है, रिफ्लेक्सेस ओपी है, डाइविंग ओपी है, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है गाइस इसके बाद लॉन्ग थ्रोअर का ट्रेट नहीं है जो कि बहुत 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 बीटी देता है अगर तुम्हें लाइक लॉन्ग लाइक काउंटर अटैक्स में अगर तुम्हें पास देनी है ज़्यादा दूर तक, तो उस समय बहुत ज़्यादा बीटी देता है गाइस। मैं पर्सनली इस कार्ड को खिला ही रहा हूँ अभी करेंटली, तो डेफिनेटली गाइस इसका यही ड्रॉबैक अदर देन दैट है गाइस सेव्स एंड ऑल बहुत मस्त देता है। सो डेफिनेटली गाइज ये थे हमारे टॉप 5 कार्ड्स अंडर 5200 अंडर 100 मिलियन फ्रॉम 5200, ये हमारे बेस्ट टॉप 5 कार्ड थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बजट की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट बजट है हमारा 100 टू 200 मिलियन जो कि हमारा फाइनल बजट रहेगा एंड इसमें हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे कार्ड देखने को मिल जाते हैं गाइज। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फिफ्थ नंबर पे गाइज हमारा रहेगा शिमाइकल, हमारा ओजी शिमाइकल। 100 टू 200 में तुम्हें गाइज आराम से इसका रेड रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। अगर इसके स्टैट्स की बात करें तो 103 डाइविंग, 100 पोजीशनिंग, 101 हैंडलिंग, 107 रिफ्लेक्सेस, तो रिफ्लेक्सेस गाइस कुछ ज़्यादा ही क्रेजी हैं इसके विद 6-4 हाइट, तो जो कि बहुत अच्छा है। बात करें ट्रेड की तो गाइस इसके पास लॉन्ग थ्रोअर का ट्रेड नहीं है बट उसके लाइक सब्सटीट्यूट में इसको जो ट्रेड दे रखा है वो पुशअप फॉर कॉर्नर। अगर मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊं तो बेसिकली इसका ये सीन है गाइस, जब भी तुम्हारा लाइक जब भी तुम कॉर्नर सिचुएशन में होते हो लाइक तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारा कॉर्नर्स ले रहा है तो उस समय जब वो पास करता है तुम्हारे किसी भी लाइक उसके किसी भी प्लेयर को तो तुम्हारा ये जो गोलकीपर शिमाइकल है अगर ये तुम्हारे पास होगा तो ये डेफिनेटली गाइज बॉल की तरफ बढ़ेगा एंड या तो बॉल को कैच करने का ट्राई करेगा या तो बॉल को दूर फेंकेगा लाइक पंच करेगा। सो डेफिनेटली गाइज कॉर्नर में इसको बहुत अच्छा ट्रेड दे रखा है, जैसे कि तुम्हें पता है कॉर्नर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं लाइक उसमें तो पूरा लक बेसिस पे है गाइज, तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे प्लेयर्स कुछ भी कर लें लाइक तुम उनके उनसे जंप भी कराओ ना तो भी कभी कभार ऐसा होता है कि वो जंप ना करे, तो गाइज ये प्योर लक के बेसिस पे रहता है। तो उस सिचुएशन में शिमाइकल को ये ट्रेड दे रखा है तो डेफिनेटली मेरे को लगता है ज़्यादा वर्थ इट है लॉन्ग थ्रोअर से।
तो गाइज फिफ्थ नंबर पे हमारा डेफिनेटली शमाइकल आता है। बात करें गाइज हमारे फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा आर टॉर्च दोनोरोमा। आई मीन टॉर्च दोनोरोमा बहुत अच्छा है गाइज, बट उससे अच्छे अच्छे कार्ड्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। सो डेफिनेटली गाइज एक टाइम था जब ये बेस्ट गोलकीपर था गेम का, बट अभी के टाइम पे बहुत अच्छे से गोलकीपर आ गए, तो ये फोर्थ नंबर डिजर्व करता है। बात करें इसके प्राइस के गाइज, 100 to 200 million में आराम से तुम इसका मैक्स रैंक, नॉट आराम से बट ऑलमोस्ट गाइज, अगर तुम थोड़ा सा बजट बताओ बढ़ाओ अपना, लाइक ए सेम कोबिल की तरह है, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था 30 to 50 million में, तो कोबिल तुम्हारा 10 मिलियन ज़्यादा था, ये भी सेम वैसे ही है गाइज, बट तुम बट सी गाइज ये लेने का मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँगा, अगर तुम मैक्स रैंक ले रहे हो तो गाइज मैक्स ट्रेनिंग भी देना। अगर तुम लोगों के पास मैक्स ट्रेनिंग नहीं है, लाइक देने के लिए कार्ड्स नहीं है, तो डेफिनेटली मैक्स के साथ जाने का कोई फायदा नहीं, तुम रेड कार्ड ही लो। रेड कार्ड आर इनफ फॉर गोलकीपर्स अनलेस एंड अनटिल तुम उनको 30 ट्रेनिंग ना दो, नहीं दे रहे हो, ठीक है। लाइक अगर तुम 30 ट्रेनिंग दे रहे हो तब तो डेफिनेटली येलो मैक्स रैंक तो सबसे बेस्ट रहता है, ऑरेंज रैंक सबसे बेस्ट रहता है, बट अगर तुम नहीं दे सकते हो तो गाइज रेड लो, चाहे तुम्हारे पास कॉइन्स हैं मैक्स लेने का भी, बट तब भी तुम रेड ही लो, जब क्योंकि जब तुम्हारे पास कॉइन मतलब लाइक टोकन्स ही नहीं है, आई मीन जब तुम्हारे पास ट्रेनिंग ही देने के लिए नहीं है, तो तुम फिर क्या करोगे उसका मैक्स रैंक लेके, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट जो मिलता है हमें 5 रैंक अप करने में वो पासिंग का है, तो वो इतना हेल्पफुल नहीं है। तो डेफिनेटली गाइज इसका रेड रैंक लो, अगर लाइक तुम 30 ट्रेनिंग है तो थोड़ा सा बजट बढ़ा लो एंड तुम्हें 200 and 10 million में तुम्हें मैक्स रैंक कार्ड देखने को मिल जाएगा। हाइट तुम्हें जैसे कि पता 6-5, स्टैट्स तुम देख सकते हो, डाइविंग बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइज, रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड पोजीशनिंग भी ऑलमोस्ट 100 है, विद हैंडलिंग ऑल्सो ऑलमोस्ट 100। तो गाइज बहुत बढ़िया कार्ड है, तुम लोगों को पता ही होगा गाइज ये कार्ड कैसा है। तो बात करते हैं गाइज हमारा थर्ड गोलकीपर जो सबसे बेस्ट रहेगा इस बजट में, वो रहेगा हमारा डिएगो कोस्टा। अगर तुम इसके स्टैट्स देखो, अगर तुम हाइट देखो, सबसे पहले 6-4 इसकी हाइट है, स्टैट्स देखो 103 डाइविंग, 103 पोजीशनिंग, 98 हैंडलिंग एंड रिफ्लेक्सेस आर क्रेजी गाइज, 107 रिफ्लेक्सेस हैं गाइज इसके। बात करें इसके ट्रेड्स की गाइज, लॉन्ग थ्रोअर का ट्रेड नहीं है, बट इसको भी एक सब्स्टिट्यूट दे रखा है उसके बजाय, जो कि है 1-on-1 गोलकीपर। लाइक इसका भी तुम्हें पता ही होगा, जैसे मान लो तुम्हारा अपोनेंट एंड तुम्हारी लास्ट सिचुएशन है, लाइक तुम्हारे अपोनेंट ने तुम्हारे डिफेंडर लाइक तुम्हारी जो बैकलाइन है उसको डिफीट कर दिया है, लाइक उनको स्टन या कुछ भी मार के डिफीट कर दिया है, तो लास्ट में जो सिचुएशन आती है वो है तुम्हारे अपोनेंट का स्ट्राइकर लाइक अटैकर जो भी है वो वर्सेस तुम्हारा गोलकीपर, तो उस सिचुएशन में जो 1-on-1 इस सिचुएशन को जो कहते हैं उसमें तुम्हारे इस गोलकीपर के पास ज़्यादा एडवांटेज है, लाइक थोड़ा एडवांटेज है कि ये उस 1v1 सिचुएशन में इसको थोड़ा सा ये एडवांटेज ये दे देता है कि लाइक ये बचा पाएगा वो सेफ, लाइक वो सेव कर पाएगा मोस्टली, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं सेफ के इस ट्रेट की वजह से। तो डेफिनेटली गाइज ये डिजर्व करता है हमारी थर्ड स्पॉट। सेकेंड स्पॉट अगर मैं बोलूँ तो गाइज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से गाइज मैंने दोनों कार्डों को ट्राई करा, लाइक आई मीन ट्राई नहीं, मैंने ये जो दोनों कार्ड हैं उनमें से एक को फेस कर रखा अपोनेंट में एंड एक को तो पूरा लाइक ट्राई ही कर रखा है, सो मैं उसके बेसिस पे बोलूँ तो गाइज डेफिनेटली सेकंड स्पॉट हमारा डिजर्व करता है कोबिल। तो या गाइज कोबिल तुम लोग बोलोगे कि गाइज ये तो बहुत अच्छा कार्ड है, बट तब भी तुम इसको सेकंड पे दे रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली बॉयज मैं तुम्हें सही बताऊँ मैंने इसको फेस कर रखा है, ये बहुत अच्छा कार्ड है, नो डाउट ये बहुत अच्छा कार्ड है, बट इससे भी अच्छा कार्ड है वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊँगा। सो प्राइस बात करें अगर इसकी प्राइस की, तो अंडर 200 मिलियन में तुम्हें इसका लाइक कार्ड देखने को मिल जाएगा, लाइक थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे लाइक 1, 2 या 3 million में तुम्हें आराम से और मिल जाएगा कोबिल का रेड रैंक। सो बात करें अगर इसकी हाइट की, 6-5 हाइट है, स्टैट तुम देख सकते हो 103 डाइविंग, 103 पोजिशनिंग, 101 हैंडलिंग एंड रिफ्लेक्सेस, तो गाइस क्रेजी है, प्लस लॉन्ग थ्रोअर का ट्रेड भी है इस बंदे पे, सो डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छा कार्ड है। बट फर्स्ट स्पॉट ये इसलिए डिजर्व नहीं कर सकता गाइज, क्योंकि सब फर्स्ट पे है हमारा चेक। टू बी रियली ऑनेस्ट गाइज, मेरे को 3K जेम्स पैक से ये चेक लाइक पैक किया था मैंने इसको, एंड इसको रेड रैंक करके 25 ट्रेनिंग में मैंने इसको खिला रखा है, एंड मुझे पता है गाइज ये चेक बहुत ज़्यादा अच्छा है उस कोबिल से। सो डेफिनेटली गाइज ये बंदा डेफिनेटली फर्स्ट स्पॉट तो डिजर्व करता ही करता है गाइज। बात कर तुम लोग खुद देख लो इसका स्टैट्स एंड ऑल, इतने ज़्यादा लाइक तुम्हें क्रेजी नहीं दिखेंगे, बट टू बी रियली ऑनेस्ट इसका अगर तुम इन गेम परफॉर्मेंस देखोगे गाइज तुम्हें कोबिल से बहुत अच्छी लगेगी, चाहे तुम इसको अपोनेंट में फेस करो चाहे तुम इसको यूज़ करो गाइज, ये टॉप नॉच परफॉर्मेंस है इसकी। 6-5 इसकी हाइट है, 102 डाइविंग, 104 पोजिशनिंग, 102 हैंडिंग, 103 रिफ्लेक्सेस गाइज, फुल बैलेंस ट्रेट है, बहुत अच्छे ट्रेट है गाइज, पोजिशनिंग तो कुछ ज़्यादा अच्छी है। बात करें ट्रेट की, तो ट्रेट में इसके पास लॉन्ग थ्रोअर का भी ट्रेट है जो कि बहुत है लाइक परफेक्ट बना देता है गोलकीपर के लिए, पूरा परफेक्ट पैकेज है गाइस गोलकीपर के लिए। टीम प्लेयर का भी ट्रेट है, बट ये मैनेजर मोड के ज़्यादा काम है, वरना उसके अलावा काम नहीं है। सो डेफिनेटली गाइस गोलकीपर में तो भाई बेस्ट यही है अंडर 200 मिलियन गाइस। ये थे हमारे टॉप 5 एट एवरी पोजीशन, आई होप सो तुम लोगों को वीडियो गाइस बहुत पसंद आई होगी। If you do, make sure to subscribe the channel. If you are new in the channel, like कर देना guys. Like goal हमारा रहेगा 50 to 100 likes.
तो नेक्स्ट बता देना गाइस कौन सी पोजीशन का तुम्हें लाइक चाहिए, ये बेस्ट प्लेयर एट विच पोजीशन। मैं सारे बजट यही बजट का मैं तुम्हें बताऊंगा बेस्ट, तो कमेंट करके बता देना गाइस जिसके सबसे ज्यादा कमेंट लाइक जिस पोजीशन पे लोगों ने ज्यादा कमेंट किया होगा मैं वाली वीडियो नेक्स्ट जल्दी से जल्द लेके आऊंगा। एक्चुअली गाइस अभी आज से मतलब लाइक मंडे से मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा क्योंकि मेरे कॉलेजेस वॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, सो मैं ट्राई करूंगा बहुत जल्दी जल्दी लाने की। तो डेफिनेटली कमेंट कर देना गाइज एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन छीन टपाक डम डम, सी या गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज।